12.2 ऊर्जा। आपने देखा होगा कि विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, विद्युत पंखे आदि को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। रेलगाड़ी, बस, कार, मोटर बाइक आदि को चलाने में पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है विद्युत बंद होने पर विद्युतीय उपकरण क्यों बंद हो जाते हैं? बिना पेट्रोल, डीजल आदि के वाहन क्यों नहीं चलते हैं? पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते हैं? ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध है? इन प्रश्नों पर आपस में चर्चा करें। आपने पूर्व कक्षाओं में ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। विद्युतीय उपकरणों को विद्युत से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार वाहनों को पेट्रोल एवं डीजल से ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं। इस अध्याय में हम केवल यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा।